यमी एंड टेस्टी लॉलीपॉप्स, जिसे हम पॉप्सिकल्स भी कहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है फूड लवर्स। मैं हूँ याशिक जैन और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं घर पर बहुत ही आसान तरीके से लॉलीपॉप्स। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी कई अच्छी रेसिपीज़ के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना हमारी यमी और टेस्टी लॉलीपॉप। तो सबसे पहले हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो होंगे, एक कप चीनी लेनी होगी हमें, यानी शुगर। फिर हम लेंगे 1/4 कप पानी। फिर हम लेंगे फूड कलरिंग, आप जो भी कलर लेना चाहे वो कलर ले सकते हैं, या फिर आप अगर फ्लेवर्ड बनाना चाहते हैं लॉलीपॉप्स तो फ्रूट एसेंस भी ले सकते हैं आप, जो बाज़ार में मिल जाता है बहुत ही आसानी से। फिर आपको इस तरीके के पेपर या प्लास्टिक के जो भी कप्स अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, आप उन्हें इस तरीके से काट लीजिएगा। इससे क्या होगा, तो हम लॉलीपॉप को जो है शेप देंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से, आप जितनी लॉलीपॉप बनाना चाहे उतने कटिंग्स कर लीजिएगा। और अगर आपके पास लॉलीपॉप स्टिक्स ना हो तो कोई बात नहीं, आप टूथपिक्स जो घर पे अवेलेबल होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लॉलीपॉप स्टिक्स की तरह। तो सबसे पहले हमने जो कप्स को कट किया आधे से, उसे हम साइड से बिल्कुल इसी तरह चाकू से जो है कट कर देंगे, जिससे कि हम जो है हमारे टूथपिक यानी कि जो हमारी लॉलीपॉप में लॉलीपॉप को होल्ड करेगा उसे इंसर्ट कर सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सारे कप्स में बराबर अच्छे से जो है कट बना दिया है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना लॉलीपॉप। तो सबसे पहले आप एक पैन में जो है शक्कर को अच्छे से फैला दीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके से। फिर आप उसमें ऐड कीजिएगा 1/4 कप जो है पानी। पानी ज़्यादा मत डाल दीजिएगा इसमें, सिर्फ 1/4 कप डालिएगा। फिर आप इसे हल्के से जो है एक चम्मच की मदद से मिक्स कर दीजिएगा पानी को शक्कर के साथ। और फिर आप जो है गैस को जो है स्टार्ट कर दीजिएगा और इस मिक्सचर को बॉईल कीजिएगा, जिससे कि हमारी जो शक्कर है वो अच्छे से पानी में घुल जाए, मिल जाए। आप इसे हल्के हल्के से मिक्स करते रहिएगा ताकि ये जो शक्कर है वो पानी के साथ अच्छे से घुल मिल जाए और इससे एक अच्छी सी मीठी चाशनी बन जाए। अब इसे कंटिन्यूसली स्टर कीजिएगा, नहीं तो ये जो हमारी चाशनी जो है वो नीचे चिपक सकती है पैन को, इसके लिए आप इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहिएगा, हल्के हल्के से स्टर करते रहिएगा इसे, ताकि ये इवनली बने एकदम चाशनी हमारी जो है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे इस चाशनी में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, हमारी चाशनी जो है थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। तो आप इसी तरीके से इसे मिलाते रहिएगा। फिर हम गैस को जो है स्लो कर देंगे थोड़ा, यानी कि लो फ्लेम पे रख देंगे गैस को और इसे अच्छे से जो है कुक करेंगे। तो देख सकते हैं आप, इसे पूरे बबल्स आ गए, इसका मतलब हमारी जो चाशनी है वो बन चुकी है एकदम अच्छे से, कुक हो चुकी है हमारी चाशनी जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब अगर आप इसको चेक करना चाहे कि आपके ये जो लॉलीपॉप बनाने की चाशनी एकदम रेडी है या नहीं, तो उसके लिए आप एक कप में बिल्कुल इसी तरीके से पानी ले लीजिएगा और थोड़ी सी ये जो चाशनी है उसमें डाल दीजिएगा और फिर आप अपने हाथों की मदद से इसे और जो चाशनी है उसे निकालिएगा। देखिए, अगर ये इस तरीके से चिपक जाए यानी और वो ड्राई हो जाए क्रिस्टल की तरह, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो है चाशनी लॉलीपॉप बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो अब हम गैस को स्लो पे रखेगा। तो अब हम इस चाशनी को जो है अलग अलग जो हमने फूड कलरिंग्स किए अलग अलग बाउल्स में, उसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा, एक एक लॉलीपॉप जितना ही डालेंगे हम पहले। तो अगर आप फूड एसेंस ले, फूड कलर ले, आप फ्रूट फ्लेवर्स ले, आप जो भी चाहे वो डाल सकते हैं। तो आप अब इसे डालने के बाद जो हम चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये जो लॉलीपॉप का हमें मिक्सचर है वो कलर के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। ध्यान दीजिएगा कि आप हर कलर के लिए अलग अलग चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि जो है कलर मिक्स ना हो जाए। और इसे अच्छे से देखिए मिक्स कर दीजिएगा और फिर आप इस मिक्सचर को जो हमने राउंड बाउल्स कट किए उसमें डाल दीजिएगा और फिर उसमें अच्छे से जो है टूथपिक भी इंसर्ट कर दीजिएगा और फिर इसे 10-15 मिनट के साइड में रख दीजिएगा अच्छे से जमने के लिए।
तो देखिए दोस्तों, 10 मिनट बाद हमारी जो लॉलीपॉप है वो तैयार हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों आप सबका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी कई अच्छी रेसिपीज़ के लिए।